Hello everyone, if you ask me for a single most powerful ingredient for your skin, for anti-aging and for flawless skin, I'll definitely ask, it's the hyaluronic acid serum or a cream and the moisturizer. इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हेलोरोनिक एसिड सीरम्स और क्रीम्स के बारे में बताऊंगी और उनकी प्राइसेस भी मेंशन करूंगी। ये सीरम मेलोना HA मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। इट्स द सेकेंड बॉटल आई एम यूजिंग। आप इसको अपने अर्ली 20s में स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी फ़ाइन लाइन्स, रिंकल्स का तो 20s में ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन लॉफ लाइन्स और फाइन लाइन्स का इशू होता है। मैंने इससे पहले लॉरियल के एक हेलोरॉनिक एसिड क्रीम भी यूज़ की है, लेकिन उसमें हेलोरॉनिक एसिड की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। एज़ यू कैन सी इट्स 5% अराउंड और इसकी प्राइस जो है 2200 है। इससे पहले ये 2000 में अवेलेबल था, बट एज़ यू नो द कॉस्मेटिक्स प्राइसेस हैव रेज्ड इन पाकिस्तान, तो इसकी प्राइस भी 200 रुपये बढ़ी है, विच इज़ नो बिग डील इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ गुड हाइलोरॉनिक एसिड जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी हो, देन परचेज़ इट। बाकी जितने भी हैं ड्रग स्टोर हाइलोरॉनिक एसिड्स हैं, आइदर टू गो फॉर द ऑर्डिनरी ब्रांड और आइदर दिस वन, बोथ आर सिमिलर इफेक्टिव। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, लेकिन इसको अप्लाई करने का ये तरीका है कि आप अपने फेस को वॉश करें, अभी वो थोड़ा गीला ही हो आपका फेस, तो आप 5 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स लेके आप अपने फेस पे इसको इवनली स्प्रेड करें, स्पेशली अंडर आइज़ पे और अपनी लाफ लाइंस पे। इफ़ यू हैव अ रिंकल ऑन योर फोरहेड तो फोरहेड के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली जो इसका लेफ्ट ओवर हो वो आप अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑन योर हैंड्स टू। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हमेशा अपने हाइलोरॉनिक एसिड को आइदर यू आर यूजिंग इट एज अ नाइट टाइम सीरम या फिर डे टाइम सीरम और आपने इसके बाद मेकअप अप्लाई करना है, लेकिन आपने हमेशा अपने हाइलोरॉनिक एसिड को एक मॉइस्चराइज़र के साथ लॉक करना है। अदरवाइज़ इट्स गोना गिव यू अ वेरी ड्राई इफ़ेक्ट। लेकिन अगर आप इसको गीले फेस पे लगाएंगे और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो इट डेफिनेटली विल गिव्स यू अ बेटर ग्लो इन द मॉर्निंग इफ़ यू अप्लाई, और मेकअप में भी इसकी एक प्रॉपर शीन आपको नज़र आएगी। स्पेशली विंटर सीजन में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फेस की इलास्टिसिटी बरकरार रहे और आपके फेस पे ग्लो भी रहे विंटर्स में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सेकंड जो हाइलोरॉनिक एसिड है ये लॉरियल का है, इट्स द लॉरियल एक्सपर्ट। इट्स 2% हाइलोरॉनिक एसिड और ये एज 25+ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ क्रीम with SPF 20 और इसकी प्राइस 1400 रुपीज़ है। आपको किसी भी ड्रग स्टोर शॉप या फिर कॉस्मेटिक ब्रांड से आपको मिल जाएगा ये। आप इसको एक डेली मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें हाइलोरॉनिक एसिड की जो क्वांटिटी है बहुत कम है, स्पेशली इसमें SPF है, सो इट्स बेटर फॉर द डे टाइम। Next we have is L'Oreal Skin Perfection, it's a serum as well, it's their newly launched product. After my Melona HA, I'll definitely try this serum because I find very good reviews about it. Iske alawa L'Oreal ka ye Hyaluron Expert serum hai. One of my friend has recently purchased it a few weeks back aur I'm really impressed to see ke uski jo overall skin mein hai bahut improvement aayi hai and looks and feel much better and just has this healthy appearance that it didn't have before using the serums. I can give it a try too. नेक्स्ट वी हैव दिस वाइप्रा। आई डोंट नो, मैं जब भी किसी ड्रग स्टोर मेकअप शॉप पे जाती हूँ तो हमेशा वो मुझे वाइप्रा के काउंटर पे लेके जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आई हैव माय चॉइसेस एंड आई जस्ट वांट टू सी के कौन सा मेकअप जो है हमारे लिए सूटेबल हो सकता है फॉर द पाकिस्तानी स्किन। I don't know why the sales girls always pulls you towards the Vipra counter. Might they get more commissions in that makeup products and stuff? अगर आपका भी इस तरह का कोई encounter हुआ है और I'm sure जो कि बहुत दफ़ा हुआ होगा, तो please आप मुझे comments में share कर सकते हैं। By looking at the product simply, ये एक बहुत colorful सा serum लग रहा था पैकेजिंग से, लेकिन मैं पर्सनली ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो और या फिर वो कलरफुल हो। एक और चीज़ मुझे देख के हैरत हुई कि ये विटामिन सी
और हाइलोरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन था जो कि कभी भी एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लाइक अगर आप विटामिन सी अपने स्किन पे अप्लाई करें तो आपने हाइलोरोनिक एसिड उस टाइम पे अप्लाई नहीं करना है, और अगर आपने हाइलोरोनिक एसिड को डे टाइम में अप्लाई करना है तो आप नाइट टाइम में विटामिन सी सीरम को अप्लाई करें, इसलिए कि हमेशा विटामिन सी जो है वो सनलाइट में काम नहीं करता। And I really don't know what's the logic Viagra gives in this product description, but which hyaluronic acid and the cream you like to have, please do share your thoughts. और आप इसमें से कौन सी स्किन केयर प्रोडक्ट को पिक करना चाहेंगे, जस्ट गिव मी योर थॉट्स। इफ़ यू हैव एनी एडिशनल क्वेश्चंस अबाउट हाइलोरोनिक एसिड, यू सर्टेनली कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई कमिंग वीडियो।